हाय गाइस, हम सुमति सिंह, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं हम होममेड टोनर की, विच इज इजी टू यूज, इजी टू मेक, फुल नेचुरल, फुल केमिकल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने तीन शॉट्स ग्लास पड़े हैं, जिसमें शॉट्स नहीं है, जिसमें है मेरा बनाया हुआ होम टोनर। बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है कोकोनट वाटर जो मैंने बनाया नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने हाफ पिया और कुछ अपने फेस के लिए निकाल लिया। कहते हैं कोकोनट वाटर इज समथिंग जो आपके स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन को क्लियर करता है। मुझे याद है बचपन में मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, उस टाइम पे जब वो मार्क्स फेस पे रह जाते हैं तो मेरी मम्मी हर दिन रेगुलरली वो कोकोनट वाटर मेरे फेस पे लगाती थी। तभी मुझे पता नहीं चला कि वो क्यों, क्या, कैसे कर रही है, बट अब समझ में आता है इसका इम्पोर्टेंस। तो ये जो कोकोनट वाटर है, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा पी लेना और थोड़ा अपने ग्लास में निकाल लेना, कटोरी में निकाल लेना। एक कॉटन पैड लेना है आपको, इसमें डिप करना है और अपने फेस पे सिर्फ अप्लाई करना है। बट कब? जब मॉर्निंग में आप उठते हो, सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन करोगे, उसके बाद मैं आईस अप्लाई करती हूं, जो मैं सजेस्ट करूंगी आपको भी करना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज टोनर। आपकी स्किन की पोर्स खुल जाती है जब आप आइसिंग करते हो या आप अपने फेस को क्लीन करते हो। टोनर क्या करता है, एक लेयर बना देता है आपके फेस पे, सो दैट आपकी स्किन वो डर्ट और पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब ना करे, कहीं ना कहीं एक लेयर बना देता है। और उसके बाद हम अपने स्किन पे क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन कुछ भी लगाते हैं। तो टोनर के हिसाब से अगर आप फुल्ली नेचुरल जाना चाहते हैं, जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज कोकोनट वाटर इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी इनसाइड एंड आउट। तो ये है मेरा पहला टोनर, है ना इजी। सेकेंड इज दिस। अब ये आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है, व्हाइट कलर का, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने रात को थोड़ा सा राइस लेके पानी में भिगो दिया, दिन में उठ के उस राइस को अच्छे से मिलाकर उस राइस को स्ट्रेन कर लिया, छान लिया, जो पानी बचा ये वही पानी है। आप डिफरेंस देख सकते हो, इसलिए मैंने तीनों ग्लास को यहाँ पे रखा ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो दिस इज माई सेकेंड टोनर। मैं एक दिन ये यूज करती हूँ, एक दिन ये यूज करती हूँ, सेम प्रोसेस है। आप सुबह उठिए, अपने चेहरे को क्लीन करिए, आइसिंग करिए और उसके बाद आप ये टोनर लगाइए। सेम थिंग, आप कॉटन पैड लीजिए, कॉटन लीजिए, कुछ भी नहीं है तो कपड़ा ले लीजिए, इसमें डिप करिए, अपने फेस पे अप्लाई करिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके फेस को क्लीन भी करेंगी, आपके फेस पे एक लेयर बना देंगी, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी, हेल्दी बनाएंगी और हाइड्रेटेड कर रखेंगी आपके स्किन को, क्योंकि पूरे दिन भर में फेस की वो हाइड्रेशन वो खत्म हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फेस में वो वाटर की कमी हो जाती है। और जस्ट बिकॉज हमारा खाना पीना लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत खराब है, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करेगी। आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसे यूज करते हैं तो जरूर फायदा होगा, ट्रस्ट मी। कहीं ना कहीं आपके स्किन को ठंडा भी करता है। और ठीक है, आप यूज करके देखिएगा, जरूर हेल्प मिलेगा। हम आते हैं अपने थर्ड टोनर पे। ये क्या है? यस, मैं बताती हूँ, ये है ग्रीन टी वाटर। अब क्या करना है, ये भी बहुत इजी है। आपको ग्रीन टी उबालना है, ग्रीन टी पी लेना, इतना सा निकाल लेना, बट इसको ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद सेम थिंग, कॉटन पैड इसमें डिप करो और अपने स्किन पे लगाओ। सेम, सबसे इजी होममेड टोनर है ये। आप अगर आपको लगता है कि कटोरी ग्लास में निकाल के कॉटन पैड डाल के इसको लगाना बहुत ज्यादा ही काम है आपके लिए, तो आप एक स्प्रे बॉटल खरीद लीजिए, 50, 20, 25, 50 हर रेंज का आता है, आप वो ले लीजिए, उसमें इसको डालकर स्प्रे करिए फेस पर। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, एटलीस्ट आई थिंक 2 से 3 दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है हर दिन अगर आप इसको फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज करें तो वो बहुत अच्छा है। कोकोनट वाटर इजिली अवेलेबल होता है, राइस वाटर सबसे इजी, हर घर में चावल बनता है, तो ऐसा तो कुछ मैं नया या यूनिक नहीं बता रही हूँ आपको कि कोई प्रोडक्ट आपको बाहर से लेकर आना और बनाना है, बहुत ईजी है। और ग्रीन टी में आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर वो भी आपको 100-125 रुपीज
में आ जाता है, स्किन के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ये करने के बाद, बट इसको आप रेगुलरली फॉर मंथ, वन एंड हाफ मंथ आप दो, फिर आपको ये डिफरेंस दिखेगा। नेचुरल चीजें थोड़ा टाइम लगाती हैं बट लंबे टाइम के लिए स्टे करती हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टोनर राइट नाउ आई एम यूजिंग। मैं अभी बिल्कुल ऑफ केमिकल चली गई हूँ स्पेशली फॉर टोनर्स, तो मैं अभी ये तीन चीज यूज कर रही हूँ, और आप भी यूज करके देखिए और मुझे जरूर बताइए, अपना रिव्यू शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे लास्ट वीडियो पे आपने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आई विल बी रेगुलर, मैं रेगुलर हूँ। तो नेक्स्ट संडे फिर आऊंगी मैं एक नया वीडियो लेके, तब तक आप ये टोनर यूज करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।